भगवान राम के जन्म स्थली अयोध्या में दीपोत्सव समारोह के हिस्से के रूप में आज यहां भव्य दीपोत्सव मनाया जाएगा। इस दौरान कुल करीब 18 लाख मिट्टी के दीपक जलाए जाएंगे। समारोह के दौरान आतिशबाजी, लेजर शो और रामलीला का मंचन भी किया जाएगा। अयोध्या में यह छठा मौका है जब दीपोत्सव समारोह का आयोजन किया जा रहा है। वहीं पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में व्यक्तिगत रूप से भाग लेंगे। आपको बता दें कि राम की पैड़ी में 22,000 से अधिक स्वयंसेवक द्वारा 15 लाख से अधिक दिए जलाए जाएंगे। अधिकारी ने बताया कि बाकी दीयों को महत्वपूर्ण चौराहों और स्थानों पर जलाया जाएगा। मंडल आयुक्त ने कहा कि दिए जलाने के अलावा लेजर शो, 3D प्रोजेक्शन मैपिंग, आतिशबाजी होगी और अन्य देशों और राज्यों के सांस्कृतिक दल रामलीला का मंचन भी करेंगे। दरअसल रामनगरी का छठा दीपोत्सव इस बार नए रिकॉर्ड बनाने जा रहा है। पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके साक्षी बनेंगे, तो 18 लाख दिए प्रज्वलित कर विश्व रिकॉर्ड बनाने की भी तैयारी है। कई देशों के राजदूतों के साथ लगभग 10,000 लोग इसका गवाह बनेंगे। वहीं श्री राम के राज तिलक के दौरान हेलीकॉप्टर से पुष्पों की वर्षा होगी और उनकी स्तुति गूंजेगी। सबसे खास बात ये कि रामलला लाल गुलाबी रंग की पोशाक पहने हुए दिखाई देंगे। भगवान राम और उनके भाइयों के नए कपड़े सिले गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इस आयोजन ने देश और विदेश में भी अपनी अलग उपस्थिति दर्ज कराई है। सत्येंद्र दास ने कहा कि हर साल त्योहार की भव्यता बढ़ती जा रही है और इसका विस्तार हुआ है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में ये परंपरा लगातार जारी रहेगी।